हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलाइट मील रेसिपी। और आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है मसाला डोसा की। ये मसाला डोसा खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी जिससे कि मसाला डोसा खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। डोसा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं 2 कप चावल और 1 कप उड़द की दाल, और इसको भिगोकर कुछ घंटों के लिए रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक कटोरे में सबसे पहले तो आपको चावल डाल देने हैं और उसके बाद उड़द की दाल। इसको अच्छी तरीके से उड़द की दाल और चावल को धो लेना है और सारा पानी निकाल देना है। इसके बाद इसमें डाल देना है पानी और इसको कुछ घंटों के लिए भिगोकर रख देना है। यहाँ पे मैंने रात को भिगोकर रखा है, अब मैं इसको सुबह यूज़ करने वाली हूँ। तो मैक्सिमम आपको 7 से 8 घंटे के लिए इसको भिगोकर रखना है। 7 से 8 घंटे उड़द की दाल और चावल को पानी में भिगोकर रखने के बाद अब मैं इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में पीसने वाली हूँ। तो ज़रूर देखिएगा कि इसको किस तरीके से पीसना है, क्योंकि बैटर परफेक्ट और अच्छा बनना ज़रूरी होता है डोसे के लिए, जिससे कि डोसा क्रिस्पी बने और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे। पीसने के बाद आपको इसको कुछ देर के लिए इसी तरीके से फेंटते रहना है। आपको इसी तरीके से फ्रेंड्स फेंटते रहना है जिससे कि जो डोसे का बैटर है वो स्मूथ हो जाए। और स्मूथ बैटर हमें तैयार करना है, इसके लिए हमें इसे कुछ देर के लिए इसी तरीके से फेंटते रहना है। यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए इसको फेंटा है। इसके बाद आपको कुछ घंटों के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पे मैंने 8 से 9 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए इस बैटर को रख दिया है। यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हुए हैं, इनका यूज़ कहाँ और कैसे करना है ये मैं आगे बताऊँगी आपको। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है प्याज, टमाटर जिसको इस तरीके से बारीक कट कर लेना है। इसके अलावा लिया हुआ है सांभर मसाला और ताज़ा हरी धनिया और नमक। सो फ्रेंड्स, ये है फर्मेंटेड बैटर जो कि मैंने आपको डोसे का बैटर पीस के दिखाया था। उसको एक भगोने में निकाल कर और थोड़ा सा अच्छे से उसको फेंटने के बाद मैंने 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखा था। तो 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद इसमें आपको पानी ऐड कर देना है। जितना भी आपको ज़रूरत लगे उतना ही आपको पानी इसमें ऐड करना है। याद रखिएगा, डोसे का बैटर ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसी तरीके का आपको बैटर तैयार कर लेना है। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आपको लगता है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था ये बैटर, इसलिए। इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए। तो आपको इसी तरीके से एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है डोसा बनाने के लिए। तो डोसा बैटर हमारा रेडी हो चुका। अब तैयार कर लेते हैं आलू की भाजी, जिसके लिए आलू को उबालकर मैंने छील कर रख दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं, जिसमें की है ताज़ा हरी धनिया, राई, हरी मिर्च, जीरा, हल्दी और मीठी नीम, जिसको कि कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है प्याज और टमाटर। तो प्याज और टमाटर को आपको इसी तरीके से बारीक कट कर लेना है। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने कितनी क्वांटिटी में लिए हैं ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आलू की भाजी बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है ऑयल। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी इसमें सारी चीज़ें डाली जाएंगी। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ते का यूज़ ज़रूर कीजिएगा आलू की भाजी बनाने के लिए, क्योंकि इससे जो भाजी का टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और खाने में भी भाजी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मैंने इसमें डाल दी है राई, और राई डालने के बाद इसमें डाल देना है जीरा। और गैस की आंच को कम पर रखना है जिससे कि ये सारे मसाले जले नहीं। इसके बाद इसमें डाल देनी है कटी हुई हरी मिर्च। तो जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, उस अकॉर्डिंग ही आप हरी मिर्च का यूज़ कीजिएगा यहाँ पर। मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज, और गैस की आंच को आपको कम या फिर मध्यम पे रख लेना है।
आपको प्याज को इसी तरीके से कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर में ना हो जाए। इसमें डाल देने हैं टमाटर, और टमाटर डालने के बाद इसमें डाल देनी है हल्दी। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है। तो जब तक कि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हमें इसे इसी तरीके से भून लेना है तेल में। इसी तरीके से आपको कुछ देर के लिए इसे सॉटे कर लेना है। तो आप देख रहे हैं ये तेल छोड़ने लग गया है। तो कुछ देर भूनने के बाद जब इस तरीके से तेल छोड़ने लग जाएगा, तो उसके बाद इसमें जो आलू मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि उबाले हुए आलू थे जिनके छिलके मैंने निकाल दिए थे, तो इसको मैंने इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। तो जब आलू ठंडे हो जाए तो इस तरीके से आप इसको बारीक कट कर लीजिएगा। आलू डालने के बाद आपको इसी तरीके से इसको मैश कर लेना है। तो आलू को आपको ठंडे हो जाने के बाद बारीक कट कर लीजिएगा, जिससे कि मैश करने में आपको आसानी हो। तो इसी तरीके से आपको अच्छी तरीके से इस आलू को मसाले में मिक्स कर लेना है और कुछ देर के लिए भून लेना है, और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दीजिएगा। तो ये बन के तैयार हो गई है आलू की भाजी। अब देख लेते हैं कि डोसा कैसे तैयार किया जाएगा। नॉनस्टिक पैन में मैंने डोसा का बैटर डाल दिया है। इसी तरीके से आपको हल्के हाथों से इसको शेप देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और गैस की आंच को कम पर रखिएगा। इसमें डाल देना है सांबर मसाला चारों तरफ से। फिर मैंने इसमें डाल दी है कटी हुई टमाटर और कटी हुई प्याज, चारों तरफ से आपको इसी तरीके से डाल देनी है। इसमें डाल दी है आलू की भाजी जो कि मैंने तैयार की थी, आपको इसी तरीके से मिडल में आलू की भाजी को डाल देना है, और इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया और थोड़ी सी चुटकी भर सांभर मसाला। अब चारों तरफ से मैंने घी डाल दिया है। तो जितना भी आप घी खाना पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग ही घी का यूज़ कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। कम आँच पर ही रखिएगा, और इसके बाद मैंने इसको आधे मिनट के लिए ढककर रख दिया है। तो आधा मिनट कंप्लीट होने के बाद मैंने ढक्कन निकाल दिया है और ये डोसा तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कितना क्रिस्पी बना है, और स्मेल भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है। इस तरीके से इसके बाद आपको फोल्ड कर लेना है, और ये तैयार हो गया है मसाला डोसा। सो फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गया है मसाला डोसा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है, तो ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड हैव अ गुड डे।